देखिए, जब आप ग्लोबल बिजनेस करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। और ग्लोबल बिजनेस में जाने के चूंकि एडवांटेजेस हैं, इसलिए जिस कंपनी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कंपनी उसको कैपिटलाइज करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने होम कंट्री में आपका कंपटीशन बहुत स्टिफ हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत स्टिफ है, बिकॉज 60% ऑफ द इकोनॉमी इज टेक्सटाइल। तो जब इकनॉमी के में बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया, ये बांग्लादेश चले गए। तो ये बांग्लादेश चले गए और दूसरे कंट्रीज में चले गए। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। उसमें दूसरे कंट्रीब्यूटिंग सर्कमस्टांसेस भी थे कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं थी, और क्या कहते हैं, पाकिस्तान में उनको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट। लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम थी कि भाई आपके मिल्क में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और बांग्लादेश को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है कोटा दे रहा था, तो उस कोटा का एडवांटेज लेने के लिए वो वहाँ चले गए। तो इसलिए जब भी आपको नया कस्टमर मिल सकता हो जहाँ पे, या नए प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे आप यूटिलाइज करा सकते हैं, यू गो टू न्यू कंट्री। फिर जब आप अपने कंट्री में ऑपरेशन करते हैं तो आपकी सेल्स कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी मीडियम हो जाती है, कभी कम हो जाती है। लेकिन आपको प्लांट तो चलाना पड़ता है, और प्लांट आपको सबसे बेस्ट कॉस्ट उस वक्त देता है जब आप उसको फुल कैपेसिटी पे चलाएं, इकनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें। तो इकनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने का तरीका ये है कि आपकी जो एक्सेस कैपेसिटी हो वो डिफरेंट कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट कर दें, या वहां जा करके उसे सेल कर दें। तो एज ए रिजल्ट आपके प्लांट्स 100% कैपेसिटी पे चलेंगे, सो यू कैन बी मोर कॉम्पिटिटिव। तो ये भी एक रीज़न होता है फॉरेन ऑपरेशंस में जाने का। फिर फॉरेन ऑपरेशंस में आप जाते हैं तो वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे आपको चीप रॉ मटेरियल मिल जाए, चीप लेबर मिल जाए, एंड यू कैन एडवांटेज टेक एडवांटेज ऑफ दैट। उसकी वजह से भी आप दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। फिर आपके कॉम्पिटिटर्स कम हो सकते हैं दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। जैसे जैपनीज जब बहुत ज़्यादा, उनकी भी जब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और क्लोथिंग मार्केट बहुत ज़्यादा सेचूरेट हो गई लोकल कंपटीशन की वजह से, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में चले गए, और इंटरनेशनल मार्केट में उनको कम कंपटीशन मिला। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप डोमेस्टिक कंपटीशन से परेशान होकर के इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हैं। फिर फॉरेन ऑपरेशंस में आजकल चूंकि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दी जा रही है कि जनाब आप हमारे मुल्क में आएँ और आकर के आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, और इट मेक्स सेंस, क्योंकि कोई आदमी जब आपके मुल्क में आकर के FDI करता है तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपके यहाँ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है। उसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सप्लायर्स को काम मिलता है। तो इसलिए जब FDI आता है तो इट इज़ जनरली गुड फॉर द कंट्री, प्रोवाइडेड आपने अच्छे टर्म्स में निगोशिएट किया हो। तो कॉम्पिटिटर्स जो है वो फॉरेन मार्केट में कम होते हैं, वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास टैक्स, जो टैक्स हॉलीडेज दिए जाते हैं FDIs के ऊपर, तो उसकी वजह से भी टैक्सेस लोअर किए जाते हैं, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट उनके लिए बहुत फेवरेबल होती है। जैसे आपने देखा होगा कि इमरान खान बिल गेट्स को फ़ोन करता है, बिल गेट्स इमरान खान को फ़ोन करता है, वो इसलिए कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल गेट्स अगर पाकिस्तान में आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट का बैक ऑफिस पाकिस्तान में बन जाए, तो लॉट्स ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, सर्विसेज की एक्टिविटीज विल बी क्रिएटेड इन पाकिस्तान। फिर जब जॉइंट वेंचर बनता है तो यू कैन लर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, यू कैन लर्न टेक्नोलॉजी, यू कैन लर्न देयर कल्चर्स, यू कैन लर्न बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें कि पाकिस्तान में जब, सिंपल एग्जांपल दे रहा, पिज़्ज़ा हट आया था तो पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा पता चला कि पिज़्ज़ा कोई खाने की चीज़ है। तो जब पिज़्ज़ा खाया तो चूंकि पाकिस्तानी बुनियादी तौर पे सुस्त कौम है, तो उन और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ खाएं कि मुंह में डालें और सीधा पेट में चला जाए, चबाने की भी ज़हमत ना करनी पड़े। दैट्स वाई रोल और पिज़्ज़ा ये पॉपुलर है पाकिस्तान में। तो पिज़्ज़ा जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया, और उस एक पिज़्ज़ा हट की वजह से पाकिस्तान में हज़ारों पिज़्ज़ा शॉप्स खुल गए।
तो इसलिए फॉरेन कॉम्पिटिटर्स आने का एडवांटेज ये होता है कि लोग उनका की टेक्निक सीख करके फिर लोकल बिजनेस में पूरी एक इंडस्ट्री ग्रो कर जाती है। इसी तरीके से आप देखें कि पाकिस्तान में पहले एक सुजुकी, फिर होंडा, फिर टोयोटा, ये लोग आए, लेकिन अब फिर लोकल लोग भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी लोकल गाड़ी बना लें। जैसे मलेशिया में हुआ, उन्होंने प्रोटॉन बनाया अपनी लोकल गाड़ी, इंडिया में हुआ, उन्होंने अपनी लोकल गाड़ी बना ली मारुति के नाम से। तो जब ये टेक्नोलॉजी आती है, वेंडर इंडस्ट्रीज ग्रो करते हैं, लोग लर्न करते हैं, तो फिर लोकल भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लोगों को पता चलता है। एंड इट वर्क्स बोथ वेज, कि जो फॉरेन कंपनीज आती हैं उनको भी टेक्नोलॉजी का पता चल जाता है। जैसे चाइनीज कंपनी ने जिन फॉरेन अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के लिए काम किया तो उनको तो बेनिफिट और एडवांटेज हुआ, लेकिन चाइना को भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लर्न करने का मौका मिला। तो इट इज़ ए टू वे ट्रैफिक। तो और फिर आपका एक्सेस बहुत अच्छा हो जाता है कस्टमर्स को का, सप्लायर्स का, क्रेडिटर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का फॉरेन कंट्रीज में। देखिए, आप जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, सारे बैंक्स चाहेंगे कि आपको लोन दे दें। ठीक है, पाकिस्तान में वो किसी बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि दे हैव क्रेडिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उन कंपनीज के लिए लोन लेने का जो का जो स्पेस है दैट इंक्रीजेस। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात कर चुके हैं कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो ये अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और फिर जब आप इंटरनेशनली कंपीट कर रहे होते हैं तो खुद लोकल मार्केट में आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन बन जाती है, लोग समझते हैं बहुत अच्छी कंट्री कंपनी है कि पाकिस्तान में भी कम्पीट कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर रही है। पाकिस्तान की कुछ कंपनीज हैं जैसे टपाल है, टपाल अपने टी को एक्सपोर्ट करता है यूरोप में और कनाडा, अमेरिका में, तो हमारा टपाल के बारे में जो है एज ए बिजनेस एंटिटी बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि देखो वो यूनिलीवर को लोकल मार्केट में कम्पीट कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी प्रेजेंस है। तो जब कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस रखती है तो लोकल मार्केट में भी उसकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी अगर आप मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आप रिस्क भी ले रहे हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जाहिर है अपनी कंट्री में तो आपको लोगों का पता है, आपका नेटवर्क है, आपके लॉज हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे रिस्क से आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। एक रिस्क जो कि 70s में बहुत ज़्यादा हुआ वो ये कि इंटरनेशनल कंपनीज को कंट्रीज ने नेशनलाइज कर, और उसकी वजह से जाहिर है कि उन कंपनीज को नुकसान हुआ। अभी इस वक्त उस तरह की फिजा नहीं है कि नेशनलाइज की जाए किया जाए, लेकिन अगर चाइना उन कंपनीज को नेशनलाइज कर ले, फॉर एग्जांपल जो इस वक्त जिन्होंने अपना वेंचर बनाया हुआ है चाइना में, तो चाइना से वो नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्ट कराना आसान नहीं होगा। तो इसी तरह से जो बहुत सारे पहले भी वाक्य रशिया ने किया था, सबको नेशनलाइज कर दिया था, तो इसलिए नेशनलिज्म का तो एक बुखार है जो कि वक्तन फवक्तन कंट्रीज को उठता रहता है। इंडिया में भी एक ज़माने में नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने कोक को, पेप्सी को और दूसरे सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत तंग किया, लेकिन जो अल्टीमेटली वो इस नतीजे पे पहुँचे कि भाई इनके प्रेजेंस से तो बहुत सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, तो वी शुड वेलकम देम रादर देन कि हम उनके साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड रखें। तो ये नेशनलिज्म का जब आता है तो फॉरेन जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। इसी तरीके से कोई इवेंट होता है, फ्रांस ने कुछ कर दिया, जर्मनी ने कुछ कर दिया, या किसी और कंट्री ने कुछ कर दिया, वो तो पॉलिटिकल लेवल पे होता है, तो आपके बस में उनकी कंपनीज होती हैं तो आप उनका बायकॉट कर देते हैं। हालांकि वो कोई परमानेंट बायकॉट नहीं होता है, वो 2 हफ्ते 4 हफ्ते का बायकॉट होता है, फिर आपका बुखार ठंडा हो जाता है, फिर वो कंपनीज इसी तरह से यूजुअली का एज यूजुअल काम कर रहे होते हैं। कोक के जब आप बायकॉट किया आपने, तो सुबह जरहत में उन्होंने कोक के इश्तहार के ऊपर अल्लाह अकबर लिख के लगा दिया। अब वो आप जो है वो अब क्या करेंगे, अब तो आप उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। जैसे आपने फिल्म देखी थी 3 इडियट्स में, वो अपने दोनों गालों पर भगवान की तस्वीर चिपका देता है, तो कोई उसको मार भी नहीं सकता था। तो इस तरह के टैक्टिक्स फिर यूज़ किए जाते हैं, और आपके इमोशंस को यूज़ किया जाता है और रिलीजियस वैल्यूज को।
और सॉरी सॉरी पीके फील्ड में, तो इस तरह की चीज़ों से फिर आप डिफेंसिव हो जाते हैं। और ये कोई परमानेंट टूल्स नहीं है, आप कभी भी जो है ना वो फॉरेन चीज़ों का बॉयकॉट करके आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वैसे आप जितने भी बुरी बातें कहें कि यहूदी बड़े बदमाश होते हैं, लेकिन आप तो सारे प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं वो ज्यूस कंपनीज के बने हुए, या ज्यूस के मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना छोड़ दें, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना छोड़ दें? तो इसमें कोई सेंस नहीं है, ये बेवकूफ़ी की बात है। असल बात ये है कि आप उनके साथ मिल के काम करें, कॉम्पिटिशन डेवलप करें और अपनी एबिलिटी भी डेवलप करें, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी उसके ज़रिए डेवलप करें। पाकिस्तान में जितनी भी आप देखेंगे मार्केट्स, अच्छी बड़ी मार्केट्स बन गई हैं, उसमें फॉरेन कंट्री का कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, और फॉरेन कॉम्पिटिटर्स की मौजूदगी की वजह से लोकल कॉम्पिटिटर्स भी अपने आप को ठीक रखते हैं। अच्छा जनाब, तो फिर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आप समझते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर्स फॉरेन कंट्री में जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है बल्कि वीक है, लेकिन आप जाते हैं तो वो आपको टफ टाइम देता है। जैसे यूनिलीवर ने बहुत टफ टाइम दिया पीएनजी को, एंड पीएनजी टुक टू डिकेड्स टू एस्टेब्लिश साइजेबल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको जो पुराने कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपको बहुत टफ टाइम देते हैं, मार्केट में आपको रहने नहीं देते। जैसे आपने देखा कि जो पुराने कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने फियाट को कराची में नहीं प्लांट लगाने दिया, एज ए रिजल्ट दे वेंट टू फैसलाबाद। हालांकि सारा एडवांटेज तो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का कराची के अंदर है, सारी वेंडर इंडस्ट्री कराची में है, लेकिन कॉम्पिटिशन कराची में है, मेजर बायर कराची में है। तो इसलिए वो फिर आपको जब लेट इंटरनेट होते हैं इस किस्म के रेजिस्टेंस यू शुड एक्सपेक्ट दैट ऐसा होगा। फिर दूसरे कंट्रीज़ का जो लैंग्वेज होता है, कल्चर होता है, वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं और उसको आपको समझना होता है। पाकिस्तान में कभी कोई आदमी मीटिंग में टाइम पे नहीं आता, शादी में टाइम पे नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क कल्चर इतना प्रोफेशनल नहीं है पाकिस्तानियों का जितना अमेरिकन्स का है। तो इस तरह की और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि इनके दरमियान डिफ़र करती हैं। पाकिस्तान में ब्राइबरी चलती है, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में ब्राइबरी जो है बहुत छुप छुपा के चलती है। पाकिस्तान में ओपन ब्राइबरी करते हैं अपना काम निकालने के लिए, लोग कहते हैं कि भाई कायदम को जेब से निकालो, ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो बाहर आप इस तरह की बात कर नहीं सकते, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान में आप ओपनली डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कहेंगे कि ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, एज, एथनिक ओरिजन आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ उस डिस्क्रिमिनेशन को नॉर्मल समझा जाता है। दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो कहते हैं कि जनाब आपने तो ये तो आप गलत काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ जो मिसाल के तौर पे ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल आया है, तो इस तरह के बिल यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में नॉर्मल है, लेकिन आप शोर मचा रहे हैं कि ये हमारे रिलीजियस वैल्यू से अलाइन नहीं करते। तो जब भी आप कोई नई चीज़ ले करके आते हैं, नई कंपनी ले करके आते हैं, तो उसके मतलब मुख्तलिफ हमारे कल्चरल जो आस्पेक्ट के लोग हैं, कल्चरल बैकग्राउंड के लोग हैं, उसको मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यूनिफॉर्म कल्चर रखते हैं, और वो कहते हैं कि भाई जब हमारी पॉलिटिकल जब हमारी इवनिंग में जो डिनर होते हैं तो उसके अंदर आप लोग प्लीज़ पॉलिटिक्स पर बात नहीं कीजिए, रिलीजन पर बात नहीं करिए, उसके अलावा वेदर पर बात करना चाहें और दूसरी चीज़ों पर बात करना चाहें तो यू कैन टॉक अबाउट, लेकिन इन दो टॉपिक्स को अवॉइड करें। वजह उसके कि इन दो टॉपिक्स पे लोग एक्सट्रीम पोजीशंस रखते हैं और आम तौर पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को चेंज भी नहीं करते।